दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं जिस योजना के विषय में, जिस टॉपिक के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आपत्ति कैसे दर्ज करें। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आपत्ति दर्ज करें कि आवश्यकता क्यों है, जिससे कि आप और अन्य लोगों को भी आसानी से समझा पाएंगे। आप सभी को ज्ञात है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,22,00,000 से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लाडली बहनाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक इसी प्रकार योजनाओं में जुड़ी अपात्र महिलाओं को अलग करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे कि सभी जरूरतमंद हितग्राही महिलाओं को उनकी राशि पहुंचाई जा सके। ध्यान रहे कि अपात्र महिलाओं से आशय मेरा यह है कि स्क्रीन में जो मुख्य अपात्रता के मुख्य बिंदु प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी एक किसी भी आवेदिका पर लागू होते हैं तो वह अपात्रता की श्रेणी में आता है। अगर यह किसी भी बिंदु में महिला जो आवेदिका है पाई जाती है, तो इस स्थिति में महिला अपात्र मानी जाएगी। तो चलिए आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को समझते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया करने हेतु सबसे पहले हमें cmlaadlibehna.mp.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसके बाद मेन्यू बार में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपत्ति दर्ज करें। जैसे ही हम आपत्ति दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमें स्क्रीन पर दाईं ओर कुछ दिशा निर्देश दिखाए जाएंगे। ध्यान रहे, आपत्ति दर्ज करने से पहले इन दिशा निर्देशों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हमें आपत्तिकर्ता का पंजीयन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमें आपत्तिकर्ता का नाम विवरण भरना है। मैं अपने ग्राम पंचायत वार्ड से किसी एक महिला की विशेष जानकारी भर रहा हूँ। इसके बाद नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर के ऑप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर भरना है। दोस्तों, ध्यान रहे, आप जो भी आपत्ति दर्जा कर्ता की आपत्ति का विवरण भर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से परख लें। इसके बाद ही आप आपत्ति के लिए आवेदन करें। आप कैप्चा भरने के बाद स्वघोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शन पर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। आपने ऊपर जो भी मोबाइल नंबर दर्शाया है, उस पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोई OTP पहुंचेगा, उसे आपको सत्यापन के लिए यहां प्रविष्ट करना है। जैसे ही OTP सत्यापित करेंगे, हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा और नीचे लिखा रहेगा आपत्ति करें। जैसे ही आप आपत्ति करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको क्षेत्रवार और व्यक्ति विशेष बार से संबंधित जानकारी ओपन होगी। तो हम पहले क्षेत्रवार के ऑप्शन से शुरू करेंगे। व्यक्ति विशेष बार में आपको व्यक्ति की समग्र आईडी या आवेदन क्रमांक से आगे बढ़ना है। क्षेत्रवार में संपूर्ण सूची निकलने के बाद आप जिस भी महिला की आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, उसे यहां पर क्लिक करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना जिला चुनेंगे, इसके बाद स्थानीय निकाय चुनेंगे। स्थानीय निकाय में अगर आप ग्राम पंचायत में हैं या नगर परिषद में हैं, तो उसको चुनेंगे। इसके बाद आप ग्राम चुनेंगे,
और इसके बाद में ग्राम वार्ड में जो गांव आता है वो चुनेंगे। सर्च करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक संपूर्ण सूची आपके ग्राम की प्रदर्शित होगी। आप जिस भी महिला की आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, एक विवरण देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही विवरण देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आवेदिका की संपूर्ण जानकारी वहां पर ओपन हो जाती है। आपत्ति दर्ज करने के लिए कुछ बिंदु नीचे दिए गए हैं। यह बिंदु ध्यान से पढ़ें। इन सभी बिंदुओं में मुख्य रूप से यह दर्शाया गया है कि आवेदिका की किस आधार पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं। इन सभी 9 ऑप्शनों में से आवेदिका जिस भी ऑप्शन के लिए भागीदार रहती है उस ऑप्शन को यहाँ पर हम टिक करेंगे। और जैसे ही टिक करें दस्तावेज चाहिए गए बिंदु को निम्न अनुसार दस्तावेज अपलोड करें। यदि किसी आपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आपत्ति से संबंधित तथ्यात्मक विवरण स्वयं लिखकर घोषित करें। दस्तावेज को स्वयं लिखकर और दस्तावेज का अधिकतम साइज 5 MB से कम बना के उसको PDF में करके अपलोड करें। और जैसे ही हम आपत्ति दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारी आपत्ति दर्ज कर ली जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर हमें विशेष जानकारी ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में करें। ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।